पिपिली विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक आज करेंगे नामांकन तेज नामांकन पूर्व पिपिली हनुमान मंदिर में पूजा करते एक बाइक रैली में पूरी अभिमुखे बाहर बीजेपी नेता कर्मी गहन जा नामांकन दाखल करेंगे प्रार्थीपत्र दाखल पूर्व आश्रित कहते पिपिली उपनिर्वाचन में विजयी हो भारतीय जनता पार्टी गत निर्वाचन में मध्य बीजेपी प्रार्थी होते आश्रित हेले बीजेडी नेता प्रदीप महारथी से हारी जाते तेज गत निर्वाचन में महारथी को से कड़ा टक्कर देते ते पिपिली उपनिर्वाचन पर बीजेपी तार प्रार्थी घोषणा कर सारी साधारण निर्वाचन में बीजेपी आश्रित पटनायक प्रदीप महारथी विरुद्ध में लड़ुता बेले एथर से उपनिर्वाचन में निर्वाचन मैदान को ओह्लाई दल टिकेट प्रार्थी भाव घोषणा करे आज से नामांकन भरवे एथस आश्रित कहते जे पिपिली भारतीय जनता पार्टी ही विजयी हेब आज से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सारे पूरी अभिमुखे बाहरी करोनार समस्त गाइडलाइन को आखि आगे रखी से निर्वाचन रैली करेंगे प्रचार करेंगे प्रसार करेंगे प्रतिनिधि अरुण राउत जोड़े अरुण बीजेपी जो भाव तार प्रार्थी घोषणा कर सारी आश्रित पटनायक जेकि पूर्व निर्वाचन लड़ुते एथर उपनिर्वाचन प्रार्थी घोषणा करजेपी तेज आज तर कौन सब प्रचार प्रसार कार्यक्रम रही देखु लिपि जदि कह बर्तमान सुधा हनुमान पिपिली हनुमान मंदिर ठार बाहरी पड़ी राली मध्यम शताधिक कर्मी मान सहित पूरी अभिमुखे बाहरी निजर प्रार्थीपत्र दाखल करने जदि कह सहित बीजेपी नेता ओम प्रकाश मिश्र रही ब्रह्मगिरी विधायक रही प्रभाती परिडा रही अनेक बीजेपी वरिष्ठ नेता रही समस्ते पिपिली रु बाहरी पड़े पूरी अभिमुखे जाइंटी कह निश्चित भाव एक नारा रही बीजेपी कोटी ना कोटी सुदृढ़ हमारे लगी अन्य प्रकार कथा जदि कह विभिन्न राजनीति दल चूड़ांत कहीं मंग धरवार जदि कह किए विधायक प्रति तार निष्पत्ति नई बेले बीजेपी सर्वप्रथमे जेहेतु आशीष पटनायक भरोसा रखी करश्चित आलोचनार चक्रबिंदु एवं आशीष पटनायक पिपिली अंचल रही द्वितीय प्रकार कथा एवं रणनीति आम कि समय पूर्व आलोचना करूँ जहाँ से कहार जहाँ कहते कि निश्चित भाव में बीजेपी सुदृढ़ हमारे लगी धन्यवाद अरुण आपण सूचना पाई।